कर रही हो तुम अपनी शॉपिंग? नहीं। ये इसमें से कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, क्यों बताऊं? आप शेरवानी क्यों देख रहे हैं? पहले शेरवानियां देख रहे थे, ये नहीं चाहते कि हमारा नंबर आए। दूसरी शादी की तैयारी हो रही है। इधर आऊं? क्या हो गया? मैंने अब ये फाइनल कर ली। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। सर, अगर आपकी सेल्फीज वगैरह खत्म हो चुकी हैं, 1, 2, 3, 4 बंदे इंतजार कर रहे हैं। निकलें? कहाँ निकलें? तुम आओगे तो निकलेंगे ना। वैसे तू क्यों नहीं लेता सेल्फीज वगैरह? मैं बखाना उन्होंने बखाना होता है। बात दिखाने की नहीं है क्या यार? मुँह मुँह की भी बात होती है। मुँह मुँह की कोई बात नहीं, मुँह मुँह की बात होती है। और ले आओ और इधर मुँह में डाल ले मेरे आके। ये तेरे मुँह में नहीं कैमरा जाएगा, तेरी जाएगा। जितनी ये बड़ी है ना, ताजी बस कर दे। बेगम, मेरी का मेकअप खराब हो गया पसीने आ तेरे इंतजार में। A few minutes later, अभी हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, बिकॉज शादी आ रही है फैमिली में, उसकी तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले कमल को ड्रॉप किया रास्ते में ताकि कमल अपने कपड़े शपड़े सेलेक्ट कर ले, और अभी हम लोग बॉयज आ चुके हैं यहाँ, हम लोग यहाँ से अपने कपड़े सेलेक्ट करें। क्या पहनोगे तुम वलीमे पर? यार मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया? वलीमे पे दिखाओ। वलीमे पे नहीं, यहाँ दिखा। क्या डिसाइड किया? ये इसमें से कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, क्यों बताऊं? बता ना यार, बता भाई। ये बस ये टाई तू ही नहीं लगानी, नीचे से वाइट। नीचे वाइट? ओहो वाह भाई वाह। लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा नहीं लगेगा। एवी नहीं अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अबे जिस दिन पहनूंगा उस दिन तुझे बताओ। नहीं अच्छा लगेगा। अबे अच्छा लगेगा। मान जा। तू मस्ती कहीं जा। आप शेरवानी क्यों देख रहे हैं यार? वैस का मसला भी तो हल करना ना भाई। अच्छा, मैं समझा अपनी दूसरी शादी करने के रिलेटेड सोच रहे हैं। कॉल आ रही है, देख ले रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। पूछा मैंने कुछ? अच्छा, क्या बात बताइए। मुँह में घुसा दे। तुमने कपड़े सेलेक्ट कर लिए? जी कर लिए। चलो ठीक है, मैंने कपड़े सेलेक्ट कर लिए। जी कर लिए। ओ बस कर दे यार, एक सेलेक्ट करने के बाद ना दूसरी कोई चीज इसे अच्छी लगती है तो कहता है ये तो मैं भी पहन सकता हूँ। बॉस ये भी मुझे आ सकता है। ये भी सूट कर सकते हैं। आ गया अब ये पहनना। जाके डिसाइड करता हूँ, देख। यार अजीब बंदा है, पंजाबी में कहते हैं ना, रहने तो मैं नहीं बताता क्या कहते हैं। बस जवाद भाई के कपड़े रह गए, बाकी सब ने क्या? इधर आऊं? क्या हो गया? मैंने अब ये फाइनल कर ली। ये फाइनल है? ये वाला कैंसल? नहीं नहीं, वो कैंसल। ये वाला फाइनल? ये फाइनल। ये देख अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है। तेरे पर पहले अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। पहले शेरवानी को हाथ डाल लिया था, अब कुल्ले को हाथ डाल लिया। आखिर चाहते क्या हो भाई? पहले शेरवानियाँ देख रहे थे, ये नहीं चाहते कि हमारा नंबर आए। दूसरी शादी की तैयारी हो रही है। जवाद भाई चुप कर गए हैं। जवाद भाई कहते हैं अब मैं क्या बात करूं? कर रही हो तुम अपनी शॉपिंग? नहीं। तुमने करवाई है? मैंने क्या करवानी थी, तुम रास्ते में खुद ही उतर कर गई थी कि तुम लोग अपने कपड़े देख लो और मैं अपने देख लेती हूँ, इसलिए देख आई हो। सेलेक्ट नहीं किए? फिर कब करने हैं? जब मैं जाऊँगा तब देखोगी। ये बात सही नहीं है। तुम्हें चाहिए था कि सेलेक्ट करके आ जाए। जब मैं तुम्हारे सेलेक्ट हो जाए ना, फिर तुम्हारे कपड़ों का कलर चोरी करके वो पहनूंगी। तो मैचिंग करने का सीन है। 1.5 साल में मैचिंग करनी है। जवाद भाई ने अपना साइज वगैरह दे दिया है। और सबसे ज्यादा साइज में मुश्किल कहाँ आई हो? किधर आई है? पेट में। उनकी वो इंचेस वाली टेप ही कम पड़ गई थी। वो दूसरी मंगवाई है, फिर उसको टेप से उन लोगों ने जोड़ा, जोड़ने के बाद पेट का साइज लिया गया। खांदे पीने। अच्छा, जब ये न्यूयॉर्क से वापस आए थे ना, तब इनका वेट आज वाले वेट से 7 kg कम था। मतलब एक महीने में 7 kg वेट गेन किए। भाई क्या बात है। जवाब भाई की ये बात बड़ी अच्छी है। जब ये वेट को गिराने पर आते है ना, तब एक महीने में 700 g तक गिरा देते हैं। जब बढ़ाने पे आते हैं तब 7 kg। ओ यार, तेरी फोटोज का सिलसिला कब खत्म होगा भाई? बता दे, जब देखो तूने कैमरा खोल कर पिक्चर ही ले रहा होता। कंप्लेन फोटोज की कर रहा है। आफतों के दौर में, यार ये कसम, आफतों के दौर में चट्टी वाला पेट है तेरा, चट्टी वाला पेट है तेरा। एक मिनट मेरी बात। चांदा की है बस। मैं चाहता हूँ कि तू अपना पेट कम कर। कम हो जाएगा बात का। कब होगा? 4 महीने बाद। 4 महीने बाद। ठीक है, तुम्हारी शादी से पहले? यस सर। फिर तो वो होनी ही नहीं है 20 साल। 1 hour later शॉपिंग करते करते लग गई थी भूख, इसलिए अभी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। ये जी आ चुका है अपना वंडरफुल किस्म का चाइनीज खाना। जितनी ज्यादा हमें भूख लग रही थी ना, अभी खाना खाने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी जी हम लोगों ने खाना शाना भी खा लिया है, शॉपिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस जाएंगे वापस घर।
यार, वो याद आया यार, ये बंदा बहुत ही अच्छा सिंगर है। अभी आपको ये गाना सुनाएगा सिद्धू मूसेवाले का, बहुत ही जबरदस्त आवाज। चल भाई, सिद्धू का फैन हूं तो सिद्धू का गाना फरमाइश पे। ये दूसरा गाना है ना? हाँ, वो तो पहले नहीं है। फके मॉल फके मॉल, अरे वो पूरा सुना। फके मॉल फके मॉल, मैनू अली लगनी नी ओल, अनके एनी अनके एनी अनपनो कर जाने ने। अबे तुझे जाना चाहिए अमेरिकन आइडल शो में। हाँ जी, जा रहे हो फिर? हाँ जी, जाओ फिर। ओके, ठीक है। ओके जी, हफ साहब जाओ, खैर से जाओ, खैर से आओ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अब मिलेंगे आप लोगों से पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। तू तो रोज मिलेगा, हम तुझे मिलेंगे। हाँ, तुम लोग मिलोगे ना पाकिस्तान इंडिया के मैच पर, लेकिन मैं भी तो पाकिस्तान इंडिया के मैच पर मिलूंगा ना तुम लोगों को। अब दोबारा से ये सब जा रहे हैं गुजरात और मैं जा रहा हूँ वापस घर। चलो जी कमल, तुम पीछे बैठ गई हो? पीछे बैठना, आ जाओ, तुम आ गया हो ना यार। मैंने क्यों पीछे बैठना? A few minutes later. प्लान तो था कि हम लोग वापस जाएंगे घर, लेकिन कमल की रास्ते में तबीयत खराब होगी, जिसकी वजह से हम लोग अभी आ चुके हैं टेस्ट करवाने के लिए। और ये टेस्ट वो हैं जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं कि ये वाले टेस्ट करवा कर लाएं, फिर पता चलेगा कि आखिर आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। अभी भाई टेस्ट तो अभी हो जाएगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब मिलेगी? कल रात को मिलेगी, शाम तक। कल रात को रिपोर्ट मिलेगी, फिर पता चलेगा आखिर मसला क्या है भाई और तबीयत क्यों खराब हो रही है। कल लोगों के खून सफेद हो जाते हैं, मेरा काला हो गया। काला नहीं है, हमारा भी रेडी है। रेडी है ना भाई? नहीं नहीं, काला हो गया है, लेकिन दूर से ऐसे लग रहा है जैसे काला हो गया हो। कबल, तुम्हारा तो खून ही काला हो गया यार। लोगों के सफेद होते हैं, मेरा काला हो गया। आज मैंने बालों पर ऐसी वैक्स लगाई हुई है जिसकी वजह से घटिया लग, मेरे फेस पर भी ऑयल शॉयली आया हुआ है और बालों में भी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने ऑयल लगाया हो। कबल का टेस्ट वगैरह करवा कर अभी मैं आ चुका हूँ घर, और घर आते ही पहले तो दरअसल इब्रार और बिग भी लोग आए हुए थे, इसलिए मैं मसरूफ चल रहा था। उन्हीं में मसरूफ से मुराद ये है कि मौज मस्ती करने में मसरूफ थे। और जब भी वो गए हैं तो मुझे याद आया कि घर को ही देख लूं यार, और घर के अभी मैं स्टोर में आया हूँ। स्टोर हमारा बिल्कुल खाली हो चुका है। पहले यहाँ भी सामान पड़ा होता था, यहाँ भी सामान पड़ा होता था, और ऊपर भी जितनी भी शेल्फें हैं वहाँ पर सामान पड़ा होता था। इसके खाली होने की वजह पता है क्या है? वजह ये भाईजान, ये आप देख रहे हैं ये निशान पड़ा हुआ लकड़ी के ऊपर, दरअसल ये जो स्टैंड है ना, जो पुराना कारीगर था वो ये इस तरह के पेच लगा कर गया था, फिर जब भी कोई भारी चीज इन शेल्फ्स के ऊपर हम लोगों ने रखी ना, ये शेल्फ भाई टूट कर नीचे और सारा सामान भी नीचे गिर चुका था। फिर अभी दोबारा से मैंने कल ही एक कारीगर को बुलाया और इस शेल्फ को जुड़वाया, और इसमें अब की बार ये बड़े बड़े पेच मैंने लगवाए ताकि अभी ये टूटे ना। जितना मर्जी भारी सामान रख लें, लेकिन ये शेल्फ अपने आप में मजबूत रहे। अभी इन पर हम लोग रखेंगे सामान शमान, बिकॉज शेल्फ सेट हो गई है, सामान रखना अब शुरू करते हैं। और ये है वो भारी चीज जो के है एजल की स्लाइड, जिसकी वजह से वो पुरानी वाली जो के अच्छी खासी शेल्फ थी, टूटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले सकती थी, लेकिन इस स्लाइड के वजन की वजह से वो टूट चुकी थी। खैर, अभी सारा सामान जितना भी हमारे स्टोर रूम में था ना, हम लोगों ने वो यहाँ एजल के होने वाले रूम में रखा हुआ है। एजल के रूम का अभी तक फर्नीचर नहीं आया, और जब फर्नीचर आ जाएगा फिर ये रूम भी भाई चमक धमक के साथ प्यारा लगेगा मेरी बेटी की तरह। और इसकी वालदा से गुजारिश है कि इसका अभी टेस्ट करवा कर आए, एजल को लेकर नीचे चली जाओ, बाकी कामकाज हम कर लेंगे। नहीं ना ले आप लोग, मैं करूंगी तो फिर होगा काम, नहीं तो एक टिंका भी नहीं लेगा। ये तीन दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो शेल्फ वगैरह कल ही ठीक हुई है। जान, तीन दिन से कहाँ पड़ा है? आपको पता है क्या बात? जबरदस्ती आपको मैंने ऊपर बुलाया। हाँ, दरअसल यही बात है, क्योंकि मुझे नहीं याद था कि यार आज सामान रखना है हम लोगों ने। तो मैंने पकड़ लिया, मुझे बताओ बाकी क्या? मेरी जान कुछ नहीं करना, ये सबसे बड़ा काम है। वो सामने वाले कमरे में वो मैंने इसका घोड़ा दिया, इसको घोड़े पे बिठा के इसे खिलाओ, बस बाकी तुम लोग कर लोगे जी। स्टोर वाला सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो तुमने एजल का टॉय नया वाला दे दिया है, ये तो अभी जुड़ने वाला है। ये जी एजल का टॉय नया, जो की अभी बॉक्स पैक पड़ा ही था, अभी इसको मैं जोड़ता हूँ, ठीक है? ऐसे जुड़ेगा, ये देखो ना, ये पेज वगैरह खुलेंगे तो फिर यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे जुड़ेगा। तो ये पेज वगैरह खोलकर इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दो। तेरा कान, ये साथ लगेगा ना? ये कान नहीं है, ये हैंडल है। ये हैंडल है, हैंडल है, कान नहीं है यार। हाँ, नहीं होते कान, उसके कान उस बेचारे के साथ ही लगे हुए हैं। चलो अभी मैं जोड़ता हूँ इसको।
एजल का नया टॉय जी मैंने फिक्स कर दिया, जो काम मेरे करने वाला था वो मैंने कर दिया, अभी जो काम एजल की मामा के करने वाला है एजल की मामा कर रही है। एजल के इस नए टॉय की चुटिया, वाह भाई वाह, चुटिया तो बहुत ही अच्छी हो गई है जी। तुम की भी चुटिया कर रही हो? ये शादी कर रही हूं। बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न रेडी हो चुका है मेरी बेटी का। अब आप दूध को छोड़ो और आओ आपके नए टॉय पर बैठे। चलो बैठे। ऐसे करके इधर बैठ गई। छोड़ दो इसको, खुद ही एंजॉय करो। मैं पागल हूँ, छोड़ दो इसको। छोड़ दो, कुछ नहीं होता, करने दो, नहीं कुछ होता। ओए 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 ओए, गिरना नहीं है, खुद ही बैठो। चलो बेस्ट हो गया, वाह जी वाह, ये गिर जाएगी। उतार लो जी, उतार। अब ये दिल का बैठना कामयाब नहीं हुआ यूनिकॉर्न, बहुत दे लिए झूले। बस वाह भाई वाह, मैं तो इधर को संभालने में मसरूफ था। तब तक कमल लोगों ने सारा स्टोर तकरीबन 75% भर दिया, बस ये आखिरी वाली शेल्फ रह गई है, इस पर कल सामान रख देंगे। फिर अब कल मिलते हैं।